स्वीटी आपको याद है? वैसे तो हर किसी को याद है और मुझे लग रहा है हम सब ने स्वीटी को इतना ज़्यादा इन्जॉय किया है पर्दे पर। तो अब आपकी स्वीटी जो है सजन ने फिर झूठ मत बोलो में दिखाई दे रही हैं, यानी कि बात कर रहे हैं हम यहाँ पर राखी की। वेलकम टू पंजाब केसरी। हाय हाय हाय, हेलो 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 पंजाब, आई लव पंजाब केसरी ऑल्सो, आई लव एंड पंजाब इज़ माई लैंड एंड माई, मेरी पूरा खानदान बिलोंग्स टू पंजाब, सो या क्लोज टू माई हार्ट। जैसे कि आपको सभी ने स्वीटी के किरदार में, पहले मुझे ये बता दीजिए, हमें तो आपके कर्ली हेयर्स बहुत पसंद है, आपने कर्ली हेयर्स क्यों नहीं रखे इसमें? ओके, तो इसमें ना मेरे दो लुक है, एक तो जहाँ मैं गरीब बनती हूँ, सो दिस इज द गरीब अटायर, जहाँ मुझे बाल बाल बांधने पड़ते हैं एंड हम क्या बोलते हैं कि एक गरीब टाइप की साड़ी पहननी पड़ती है, एंड देन एक है अमीर लुक। सो ओवर देयर मैं, मेरे कर्ल्स खुलते हैं, तो दोनों में, दोनों लुक्स में जब डिफरेंशिएशन आता है तो खाली बालों का आता है और कुछ कर नहीं सकते। सो हाउ यू एंजॉयिंग सजन दे फिर झूठ मत बोलो? आई, इट्स ग्रेट फन, अच्छा कॉमेडी है एंड गुड वर्किंग एक्सपीरियंस, बट मेरे लिए इट्स नथिंग डिफरेंट क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी कॉमेडी की है, सो इट्स येट अनदर कॉमेडी फॉर मी एंड कॉमेडी मेरे लिए बहुत आसानी से आती है, तो इट्स लाइक रेगुलर स्टफ फॉर मी। व्हाट्स योर टेक ऑन रियलिटी शोज, कॉमेडी रियलिटी शोज, आई मीन नॉट इवन रियलिटी, कॉमेडी शोज जो आजकल बहुत ज़्यादा यू नो हर चैनल पे हम कॉमेडी शोज देख रहे हैं, सो आर यू इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ सच शो लाइक स्टैंड अप कॉमेडी? येस ऑफ कोर्स, मैं कॉमेडी हर एक टाइप का करती हूँ, वेदर इट्स स्टैंड अप कॉमेडी, और मैंने फिल्म्स की है, बहुत सारी फिल्म्स भी की है, मैंने गोलमाल की है, मैंने क्रिश 3 की है, मैंने थैंक यू की है, सो वेदर इट्स स्टैंड अप कॉमेडी और इट्स अ फिल्म और इट्स अ टेलीविजन शो और इट्स थिएटर, कॉमेडी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो मैं कॉमेडी से रिलेट कर रही हूँ, इट कम्स वेरी ईजिली टू मी। तो अगर कभी कोई ग्रे शेड या नेगेटिव शेड या फिर रोने धोने वाला किरदार आपको मिल जाए तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्या? मेरे को रोने धोने का तो कोई नहीं देता क्योंकि उनको नहीं लगता कि मैं, अगर मैं रोती हूँ तो उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि ये रो नहीं सकती, बट हाँ नेगेटिव मैंने काफ़ी की है, मैंने मधुबाला में नेगेटिव किया है, दैट वाज माय फर्स्ट शो, देन मैंने जो मेरा प्रोडक्शन हाउस था उसमें एक शो मैंने प्रोड्यूस किया था हीना लॉन्ग बैक, उसमें मैंने नेगेटिव किया है, एंड नाउ अभी मैंने दुर्गा में नेगेटिव किया है, गंगा में नेगेटिव किया है, तो मैंने नेगेटिव शेड्स काफ़ी किए हैं, ग्रे शेड नहीं किया है, आई वुड लाइक टू डू अ ग्रे शेड, कॉमेडी किया है एंड रोना धोना आई डोंट थिंक, आई होप कोई है जो मुझे दे सकता है क्योंकि फिर वो चैलेंजिंग होगा मेरे लिए, बट अभी तक तो नहीं किया मैंने। और कोई पंजाबी फिल्म? पंजाबी फिल्म का ऑफर आएगी तो आई डेफिनेटली डू, इट्स आई टोल्ड यू पंजाब इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड पंजाबी पीपल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो क्योंकि आई एम अ जट, आई एम फ्रॉम माई, मेरे जो फोर फादर्स है वो फ्रॉम पंजाब है, वी आर जट्स, सो आई विश कोई मुझे पंजाबी फिल्म ऑफर करे, आई वुड लव टू डू इट। सो कोई पंजाबी फिल्म जो आपने अभी हाल ही में देखी हो? मैंने मंजे बिस्तरे। ये तो मतलब कैसा, गिप्पी गरवाल यू लाइक्ड इट? आई लव्ड हिम, आई लाइक द हीरोइन, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और मेरे को एक्चुअली सारे पूरी कास्ट अच्छी लगी, वो बुड्ढा आदमी बहुत अच्छा लगा। हु वाज ही? ही इज अनमोल, करमजीत अनमोल। इज ही रियली बुड्ढा? नो नो नो, नहीं ना, ही इज डन अ सुपर्ब जॉब, दैट टोटला जॉब ही, तो ही इज रियली 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 वेरी गुड, एंड ओवरऑल द फिल्म मेकिंग एंड द कॉन्सेप्ट, जैसे मम्मी सेज दैट पहले ज़माने में जब शादियां होती थी तो बिस्तरे ऐसे और बेड्स ऐसे मांग के लेके आते थे, सो इट वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड इट्स ग्रेट फन, एंड खाली मुझे पंजाबी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ठेठ लगी तो थोड़ी ऊपर से गई, पर बाकी ओवरऑल द फील ऑफ द फिल्म आई काइंड ऑफ एंजॉयड इट, क्यों तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पंजाबी इज़ अ वेरी
आसान लैंग्वेज, अगर आप लोग थोड़ी सी इतनी ठेठ नहीं करो और थोड़ा सा लाइक यू नो नॉर्मल जो, हाँ क्योंकि पंजाबी और हिंदी काफ़ी सिमिलर है, तो अगर आप थोड़ा सा ईजी कर दो वो लैंग्वेज को, तो इंटरनेशनली ऑल्सो बॉम्बे मार्केट, बॉलीवुड और हर एक जगह ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगी. True. And, जैसे कि हम पंजाबी फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि जब घर में बात होती है और आपको बोला जाता हो आप भी कर लो पंजाबी फिल्म करिए? मेरे घर वाले बहुत डिफरेंट है. मेरे घर वालों ने तो जब मेरे डैड को पता चला कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे से एटलीस्ट 2-3 ईयर्स के लिए बात भी नहीं की थी. सो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और उनके लिए अगर लड़की फिल्मों में या टीवी सीरियल में, मैं जब चालू किया था तब की बात कर रही हूँ, अब तो देव गॉटन यूज टू इट. सो जब मैंने शुरू किया था तो अगर लड़की फिल्म में या टीवी सीरियल में काम कर रही है तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, वो मतलब वो अच्छा नहीं गिना जाता था. सो ऐसा कुछ डिस्कस नहीं होता है. जब हम फैमिली बैठती है साथ में तो खाली पर्सनल और फैमिली की बातें होती है, एंड वी हैव फन लाइक नॉर्मल पीपल. फिल्मों की बात माय फादर विल नॉट इवन स्टैंड, वो फिल्म वर्ड भी नहीं चलेगा घर में. तो मुझे अपना जो करियर है और जो अपना एक्टिंग है वो मुझे यहाँ छोड़ के जानी पड़ती है. और कोई ऐसी 5 ऐप्स जो आप यूज़ करते हो फोन में? 5 ऐप्स. ओके, अगर पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कंप्यूटर ऑन भी करने नहीं आता, और आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, सो आई एम ढ. सो दूसरी बात, ऐप आई यूज़ द शॉपिंग ऐप. ओके, आई यूज़ ऑफकोर्स व्हाट्सएप. तो अभी मैं ऐप नहीं कैलकुलेट करूँगी. व्हाट्सएप इज़ नेचुरल, इंस्टा इज़ नेचुरल, फेसबुक इज़ नेचुरल. अब वो ऐप नहीं रहा, वो आपके जैसे आप फ़ोन करते हो डे टू डे रूटीन के. बट आई यूज़ शॉपिंग ऐप, आई यूज़ कैंडी क्रश, आई लव प्लेइंग कैंडी क्रश. आई और क्या करती हूँ मैं, नो, आई एम अवे फ्रॉम न्यूज़, वेरी डिप्रेसिंग. इसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसकी बेटी रेप हो गई, उसकी फलाना हो गया, ये उसके मतलब इट्स सो डिप्रेसिंग. इट्स बेटर, हाँ सावन, आई हियर अ लॉट ऑफ म्यूजिक. आई लाइक टू बी विथ हैप्पी पीपल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट. तो आई यूज सच एप्स रादर देन ऑफकोर्स व्हाट्सएप एंड फेसबुक. तो फेसबुक कितना फ्रीक्वेंट यूज करते हैं? वेरी फ्रीक्वेंट. Yeah, and since the time she's come into my life, more often, because she is a complete Facebook freak. She'll post every photograph, and then I like the comments jo us pe aate hai, to all the more reason. She's been my best friend. I really love her. Maine na bahut film industry mein bahut log dekhe, because main 15 years se kaam kar rahi hu. I was 15 when I started Hum Paanch. तो बहुत लोग देखे, बट मैंने इसके जैसे इतना स्वीट और प्योर सोल नहीं देखा आज तक. आई अक्वेंटेंस हुए हैं, आए गए, बट अगर प्रिया नहीं है तो आई फील अनकम्फर्टेबल. आई हैव वेरी इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, बहुत बहुत अच्छी लड़की है ये, टू वेरी 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 नाइस गर्ल, एंड I hope she sees a lot of success. Right. I hope she gets a nice Punjabi film. Oh. please take her. She's awesome, very good actress, and she's actually iska get up ajeeb hai, but she's very hot looking also. Oh. And she's a fabulous human being. और इसको लेने से आई एम श्योर आपकी पंजाबी फिल्म सुपर हिट हो जाएगी. ऑलराइट, वी विश बोथ ऑफ यू वेरी गुड लक, और हम उम्मीद करेंगे कि आप दोनों को ही पंजाबी फिल्म में देख लें. आई होप सो, या आई होप सो एंड आई होप कि मैं इसको एज अ हीरोइन देखूं. And we wish you very good luck. और पंजाबियों के लिए जाते जाते क्या मैसेज? ओके, सो पंजाबीज आई ऑलवेज से आर फाइटर्स. ओके, एंड पंजाबीज आर ब्लू ब्लडेड, मतलब रॉयल्टी. और पंजाबीज गो गेटर्स होते हैं. पंजाबीज सोचते नहीं, करते हैं. और बट मैं एक और हमारी जो कौम है पूरे इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा
गरम ब्लडेड कोम है एंड हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नई जनरेशन है, वो आगे चल के इस वर्ल्ड को, सॉरी इस कंट्री को वर्ल्ड मैप पे लेके जा सकती है. तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, स्टॉप टेकिंग ड्रग्स. ओके, टेक आउट ड्रग्स फ्रॉम योर ब्लड. जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको, जो हमारी सबसे सबसे एनर्जेटिक कोम को ख़त्म करना चाहती है, उसको सक्सेसफुल मत करो. आप अपने कंट्री के लिए सोचो, आप अपने कोम के लिए सोचो. पंजाब को ख़त्म मत होने दो, क्योंकि ये पांच नदियों की लैंड है. यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेन निकलते हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन निकलती है. तो आप अपने आप को ख़त्म मत करो. किक इट ऑफ, कम बैक ऑन द वर्ल्ड मैप, कम बैक ऑन द इंडिया मैप. वी कैन डू इट, वी आर पंजाबीज. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो आपको मैसेज बहुत अच्छा मिल गया है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के साथ. राखी ने ये अपील की है सभी उन पंजाबियों से जो पंजाब भर में हैं, तो आप सब अपने स्टेट पंजाब को ड्रग फ्री बनाइए और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए. कैमरामैन शुभम के साथ हलीम कौर, पंजाब के सी टी वी, मुंबई.